छोले कुलचे तो हम सभी को बहुत पसंद होते हैं और छोले तो हम सभी को बनाने आते हैं, पर कुलचा बनाना थोड़ा सा ट्रिकी होता है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ कुलचा बनाने की एकदम परफेक्ट और आसान सी रेसिपी, जिससे अब आप आराम से घर पर कुलचे बना सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड्स एंड फ्लेवर्स, मैं हूँ शिल्पी। तो आइए फटाफट शुरुआत करते हैं इस बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी की। कुलचे बनाने के लिए यहाँ मैंने 2 कप मैदा लिया है, हम इसके बीच में घोल कर लेंगे इस तरह से। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 4 टेबलस्पून मेल्ट किया हुआ बटर। इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक, क्योंकि हम सॉल्टेड बटर यूज़ कर रहे हैं इसलिए नमक का इस्तेमाल कम करेंगे। अगर आप अनसॉल्टेड बटर यूज़ करें तो 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम नमक का इस्तेमाल करें। अब मैं इसमें डाल दूँगी 1 टीस्पून भर के बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून पिसी हुई शक्कर और इसमें डाल देंगे 4 टेबलस्पून दही। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे दही और बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर आपस में रिएक्ट करेंगे, इससे क्या होगा हमारे डो में बहुत अच्छा सा राइज आएगा। तो यहाँ पे हम यीस्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और दही से ही हमारा जो डो है बहुत अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा। अब हम इस डो को अच्छे से गूँथ लेंगे। तो ये देखिए, अभी मैंने बेसिक आटा गूँथ लिया है और अब हम क्या करेंगे, हथेली का जो ये वाला पोर्शन होता है इससे इस तरह से इसको अच्छे से स्ट्रेच करते हुए गूँथेंगे। ये देखिए, तो इससे क्या होगा जब हमारे कुलचे बनेंगे तो उसमें अच्छी सी जाली आ जाएगी और काफ़ी फूले फूले बनेंगे वो। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेरा जो किचन का स्लैब है मैं उस पर आटा गूँथ रही हूँ, तो मैंने इसको बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया था। इससे क्या होता है कि हमें सरफेस एरिया थोड़ा अच्छा बड़ा मिल जाता है और आटा गूँथने में काफ़ी आसानी रहती है। तो ये देखिए, इसी तरह से मैं स्ट्रेच करते हुए पूरे आटे को बहुत अच्छे से गूँथ लूँगी। तो ये देखिए, मैंने आटे को बहुत अच्छे से गूँथ लिया है और ये देखें आप इस तरह से इसको सेंटर में टक कर लें, ये देखिए इस तरह से, और इसको एकदम स्मूथ कर लेंगे हम अब। तो ये देखिए, हमारा आटा गूँथ के बिल्कुल तैयार है और एकदम स्मूथ हो चुका है ये। अब हम एक बोल लेंगे, इसमें आटे को रख देंगे और इसको हल्के गीले कपड़े से आप कवर करके रख दें, तो कम से कम 1 घंटा तो रखना ही है, उससे भी ज़्यादा रखेंगे तो और भी अच्छे कुलचे बनेंगे। तो अब मैं आपको इसको दिखाऊंगी करीब 1 घंटे के बाद। आटे को रखे हुए मुझे 1 घंटा हो चुका है, आइए हम इसे चेक कर लेंगे। तो मैं इसको अपने रोलिंग बोर्ड पर निकाल लूँगी। हाथों में हम थोड़ा सा सूखा आटा ले लेंगे जिससे कि डो हमारे हाथों में चिपके नहीं। और अब हम इस आटे के 6 हिस्से कर लेंगे इस तरह से, और अब हम इनको अच्छे से रोल करके इनके स्मूथ बॉल्स तैयार कर लेंगे। तो जो कुलचे होते हैं थोड़े मोटे बनते हैं तभी वो फूलते हैं और अच्छे बनेंगे, इसलिए हमने थोड़े बड़े बड़े से लोई तैयार किए हैं। तो ये देखिए, मैंने इनको गोल कर लिया है। तो अब हम 1 लोई लेंगे और बाकी हम कवर करके रख देंगे जिससे वो ड्राई ना हो जाए। अब हम इसको बेल लेंगे, तो 1 सार बेलें इसको और थोड़ा सा बड़ा बेलें, और इसमें सूखे आटे का यूज़ ना करें बेलते समय, क्योंकि जब हम इसको सेकेंगे तो सूखा आटा जलता है, उससे जो कुलचा है खाने में अच्छा नहीं लगता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इसको नहीं बेल पा रहे हैं और ये चिपक रहा है, तो आप हल्का सा तेल बेलन पे लगा लें फिर इसको बेलें, तो ये आसानी से बेल जाएगा। ये देखिए, मैंने इसको थोड़ा सा बेल लिया है। अब हम इस पर थोड़ी सी ये कलौंजी डाल देंगे और इसको हल्के हाथों से फिर से बेल देंगे। तो आप देख लें, मैंने इसको इतना थिक बेला है और ये देखिए, जैसे ही हम इसको उठाते हैं ये छोटा हो जाता है। तो बेटर है कि आप इसको थोड़ा सा बड़ा बेलें। तो इसी तरह से मैं क्या करूँगी, सारे कुलचे तैयार कर लूँगी और उसके बाद मैं इसको दिखाती हूँ सेकना कैसे है। ये देखिए, मैंने कुलचों को बेल लिया है और अब हम क्या करेंगे, इसको पलट देंगे और बहुत ही हल्का सा पानी लगा देंगे इस पर इस तरह से। तो इससे क्या होगा, जब हम कुलचे को सेकेंगे तो ये एकदम से जलेगा नहीं, इसको फूलने का मौका मिलेगा और इसमें अच्छी जाली आएगी। और आइए अब हम इसको सेक लेंगे। इसको सेकने के लिए मैंने पैन को बिल्कुल धीमी आंच पे गरम किया है और जो पानी वाली साइड है मैं इसको नीचे रख दे रही हूँ। और अब हम अपने हाथों में थोड़ा सा पानी लेंगे और इस तरह से पैन पे फैला देंगे। ये देखिए, गैस की फ्लेम को हमें धीमे पे ही रखना है। पैन को हम कवर कर देंगे और इसको करीब 30 से 40 सेकेंड तक हम पकने देंगे। तो पानी डालने से क्या होता है, इसमें स्टीम बनती है और स्टीम से जो हमारा कुलचा है सॉफ्ट रहता है और फूलता भी अच्छे से है। कुलचे को ढके हुए मुझे ऑलमोस्ट 40 सेकेंड्स हुए होंगे, मैं इसको उठा लूँगी। तो धीरे से उठाइएगा क्योंकि आप देख सकते हैं कि ढक्कन पे बहुत सारा पानी है, ये कुलचे पे नहीं गिरना चाहिए। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये फूल चुका है, हम इसको पलट देंगे।
ये देखिए क्या बढ़िया पका है नीचे से ये। और अब हम फिर से क्या करेंगे, चारों तरफ फिर से पानी डालेंगे, इसको वापस कवर कर देंगे और दूसरी साइड से भी बस 30 से 40 सेकंड तक हम पकने देंगे। इसको सिकते हुए 30 टू 40 सेकंड्स फिर से हो गए हैं, हम कवर को हटा देंगे। बहुत केयरफुली हटाइएगा क्योंकि इस पर पानी आ जाता है, वो पानी कुलचे पे गिरना नहीं चाहिए, नहीं तो कुलचा जो है गीला हो जाएगा। मैं आपको उसको पलट के दिखा देती हूँ। ये देखिए सिक गया है, पर ये सर्व करने के लिए अभी तैयार नहीं है। मैं इसको उठा के अलग कर लूँगी और आप इस तरह से कुलचे को ठंडा करके फ्रिज में 2 से 3 दिन तक आराम से रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। तो अभी मैं सारे कुलचे बेसिक तैयार कर रही हूँ। ये देखिए कुलचों को मैंने आधा सेक लिया है और इन कुलचों को जब ये ठंडे हो जाएंगे बिल्कुल, आप इनको एयर टाइट डब्बे में या फिर आप जिप लॉक में पैक करके फ्रिज में रख लें, ये 2 से 3 दिन तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो आइए अब मैं दिखाती हूँ आपको कि इसको दोबारा से कैसे सेक के सर्व करना है। कुलचे को सर्व करने के लिए हम क्या करेंगे, एक पैन लेंगे और उस पर थोड़ा सा बटर डाल देंगे और इसको फैला दें बटर को हल्का सा। इसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़ा सा बारीक करा हुआ धनिया और अब हम कुलचे को इस पर रख देंगे और इसको अच्छे से सेक लेंगे। तो ऐसे थोड़ा घुमा घुमा के और दबा के सेकें जिससे ये अच्छे से चारों तरफ से सिक सके। तो आपने देखा होगा जब आप ठेले पे छोले कुलचे खाने जाते हैं तो वो इसी तरह से आपको कुलचों को गर्म करके देते हैं पैन पे, इससे एकदम फ्रेश और टेस्टी हो जाते हैं। तो बस इसको पलट देंगे ये देखिए और इसको दबा के दूसरी साइड से भी सेक लेंगे। तो ये देखिए हमारा कुलचा बिल्कुल तैयार है और इसी तरह से हम सारे कुलचे तैयार कर लेंगे और फिर इनको सर्व करेंगे। तो आपने देखा कि परफेक्ट कुलचा बनाना कितना आसान है। सबसे अच्छी बात है आप इसको बना लें और 2 से 3 दिन तक आराम से स्टोर करके रख सकते हैं और जब भी मन करे तो गर्म करके खा सकते हैं। तो ट्राई ज़रूर करिएगा और हमें फीडबैक में भी बताइएगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।